नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनने के बाद आप भी अवाक रह जाएंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं उस गुड़िया के बारे में जो कि अब रुद्राक्ष बन गया है। अगर कोई लड़का लड़की का वेश बना ले तो इसमें कोई परेशानी नहीं, यानी कि इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। हम ऐसा फिल्मों में और नाटकों में देख चुके हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कोई लड़की अपनी पूरी पहचान ही बदल ले तो आप उसे क्या समझेंगे। जी हाँ, बिहार के छपरा के रहने वाली गुड़िया कुमारी ने अपनी पहचान ही नहीं अपना पूरा अतीत ही बदल डाला है। बता दें कि मढ़ौरा प्रखंड के बहुआरा पट्टी गांव के ठकुरवाड़ी टोले की रहने वाली गुड़िया ने अपना लिंग चेंज करवाया है। वह कहती है कि अब वह अपने जीवन से खुश है। गुड़िया ने अपना नया नाम रुद्राक्ष रखा है। वह जब 28 साल की थी तब वह लड़की थी, लेकिन अब वे 29वें साल में है तो लड़का बन गई है। वह बताती है कि उनका बचपन से ही शौक लड़कों जैसा रहा है। उसको लड़कों के साथ पढ़ना, उसके साथ स्कूल आना जाना, लड़कों का हेयर स्टाइल रखना, उसके साथ खेलना, उसके जैसे कपड़े पहनना उनकी शौक थी। वह बताती है कि उसे लड़की शब्द से चीड़ था। जब उसके घर वाले उसे बेटा कहकर बुलाते थे तो उसे बहुत खुशी होती थी। गुड़िया का बचपन गांव में बीता था। उनके बचपन की पढ़ाई उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिसवा में हुई, जबकि आठवीं से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई राष्ट्रीय उच्च विद्यालय रामपुर से और इंटर की पढ़ाई संजय गांधी इंटर कॉलेज नगरा, जबकि ग्रेजुएशन GPM से करने के बाद उन्होंने बी फार्मा की पढ़ाई हरियाणा से कर रही है। इसी दौरान उनकी शादी की बात चली और वह घबराने लगी, क्योंकि गुड़िया को ना तो महिलाओं का कपड़ा पसंद था और ना ही उसकी तरह के रहन सहन। फिर क्या था, गुड़िया ने अपने परिजनों को बताया कि वह लड़का बनना चाहती है, लेकिन जब परिजनों ने इनकी बात सुनी तो वह अवाक रह गए। गुड़िया घर परिवार की सबसे बड़ी संतान थी, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर में परिजनों को उनकी बात माननी पड़ी। इसके बाद तकरीबन एक साल तक दिल्ली में उपचार चला। उसके बाद दिसंबर में ऑपरेशन के बाद उनका लिंग बदल दिया गया। इसके बाद गुड़िया ने यह भी कहा कि वह चाहे तो किसी भी आम लड़के की तरह शादी कर सकती है और डॉक्टरों की सलाह पर वह बच्चे भी पैदा कर सकती है, लेकिन तब जब लड़की भी लिंग में बदलाव नहीं की हो। गुड़िया बताती है कि भोपाल में डॉक्टर्स ने मेरे कई टेस्ट किए, मुझे जेंडर चेंज करने के लिए एकदम फिट पाया। पिता ने कहा कि पैसे की चिंता नहीं है, हम अच्छे से अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन करवाएंगे। पापा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि अपने ही बच्चे को अपने हाथों से समुद्र में फेंक रहा हूँ। मैं और पापा दिल्ली आ गए। हमारे साथ मेरी छोटी बहन भी आई थी। उसे धीरे धीरे सब समझ में आने लगा था। उन्होंने यह भी कहा कि एक साल पहले से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा, फिर 27 फरवरी 2021 को दिल्ली के अस्पताल में मेरा ऑपरेशन हुआ। अलग अलग डॉक्टरों की टीम शरीर के अंगों को लेकर ट्रीटमेंट करती रही। इसके बाद हम लोग 7 अस्पताल में ही रहे। नए साल के साथ गुड़िया अब रुद्राक्ष बन गई थी। इसके बाद गुड़िया ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मैं पापा के साथ ही भोपाल आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। पापा ने सोचा कि किसी को नहीं पता चलेगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी घर वाले मेरी शादी की बात करने लगे और मैं पापा के साथ छपरा चली गई। गांव में 2-3 सब ठीक रहा। माँ ने मेरा शरीर कुछ अजीब लग रहा था, वो मुझसे बार बार पूछ रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और माँ से सब बता दिया। घर में जैसे मानो सन्नाटा पसर गया, जैसे किसी की मौत हो गई हो। पापा ने धीरे धीरे सभी को समझाने की कोशिश की। माँ और भाई यही पूछ रहे थे कि ऐसा करने से पहले हमें क्यों नहीं बताया। पापा ने सबको समझाया और मेरे परिवार ने रुद्राक्ष को अपना लिया। मुझे आज भी याद है मेरी दादी की वो बात, गुड़िया तो मेरा बेटा है। और इसके साथ साथ गुड़िया जो है अब रुद्राक्ष बन गई है। इस तरह के कई मामले जो है देश में हैं जिसमें कि लिंग बदलाव के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। लोगों ने अपनी इच्छाओं से लिंग में बदलाव किया है। ऐसे में बिहार की यानी कि छपरा की रहने वाली गुड़िया जो है अब रुद्राक्ष बन गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।